अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। ये जो अम्ल है ये अम्ल मोहब्बत के लिए है। आप अपनी मोहब्बत किसी के दिल में पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपसे मोहब्बत करे। आपको दिलो जान से चाहे तो आपको चाहिए कि ये अमल करें। कभी कभी अक्सर देखा जाता है, ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि मियाँ बीबी में तकरार हो जाती है, नौबत तलाक तक आ जाती है। इसी तरीके से सास बहू का मसला होता है, नौबत यहाँ तक आती है कि मारपीट लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ये सब मोहब्बत की कमी की वजह से होता है। इसी तरीके से देखा जाता है महबूब और महबूबा का भी मामला कि कोई किसी को चाहता है और चाहने के बाद उसे छोड़कर चला जाता है, या बीवी किसी और के साथ चली गई है, या शौहर किसी और दूसरे औरत के साथ गैर औरत के साथ रहने लगा है। इस तरीके के तमाम मसलों के लिए ये अमल बहुत ही कामयाब है। मोहब्बत के लिए आप ये अमल करें, इंशाल्लाह तबारक ताला आपकी जायज़ मोहब्बत जो भी होगी वो आपके पास होगी। आपको इसके लिए क्या चाहिए? आपको एक सादा कागज़ चाहिए। सादे कागज़ के ऊपर आपको इस तरीके से तीन बॉक्स बना लेने हैं। इस तरीके से तीन बॉक्स बनाना है। इसके अलावा थोड़ी सी मिठाई चाहिए जो कि सफ़ेद कलर में हो, वाइट कलर में कोई भी स्वीट आप ले सकते हैं। अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जब आप नक्श लिखने शुरू करें, ये किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, जब आप नक्श लिखना शुरू करें तो आपको पढ़ना है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तरीके से पढ़ने के बाद फिर आपको नक्श लिखना शुरू करना है। आप ये नक्श किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं। अब आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ आदात आपको भरने हैं। आपको सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सिर्फ हे दो चश्मी है, तीनों खानों में आपको लिखना है। आपको इस तरीके से हे दो चश्मी है लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर भी हे जो चश्मी है लिख देना है। बहुत ही आसान नक्श है। फिर यहाँ पर भी आपको हे जो चश्मी है लिख देना है। मुकम्मल हो गया आपका नक्श। अब आपको करना है यहाँ पर महबूब का नाम लिखने। इस जगह पर आपको महबूब का नाम लिखना है। अगर वो औरत है तो बिनते लिख दें, अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम यहाँ पर लिख दे। फिर आपको यहाँ पर लिखना है हुब। हुब लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। अगर आप औरत हैं तो बिनते लिख दें, अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। इस तरीके से ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। अब आपको बता दें, इस नक्श को आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, इस नक्श को आप कभी भी लिख सकते हैं, किसी भी टाइम दिन या रात किसी भी वक्त आप इस नक्श को लिख सकते हैं। नक्श लिखने के तुरंत बाद आपको जो मिठाई हमने आपको बताई है वो मिठाई ले लें और ये नक्श ले लें और किसी सुनसान जगह पर चले जाएं। कब्रिस्तान वगैरह में नहीं जाना है, सुनसान जगह पर जाना है और इस नक्श और मिठाई को किसी दरख्त के नीचे रख देना है, किसी पेड़ के नीचे रख देना है। फिर वहां पर खड़े होकर आपको या वदूद 21 मरतबा पढ़ना है और अपने हालात कहने हैं कि हमें फला से मोहब्बत, या हमारी बीवी को हमसे मिला दें, या सास बहू में आपस में मोहब्बत पैदा हो। इस तरीके के जो भी आपके मसले हैं वो कह दें पढ़ने के बाद और आप अपने घर चले आएं। फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इंशाल्लाह 11 दिन में आपका मसला हल हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त के साथ।